मोस्टली हम सबको ऐसी मेकअप ट्रिक्स पता होती हैं जिससे हम अपनी स्किन को इवन और ग्लोइंग लुक दे सके, बट फिर भी हर कोई एक ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन चाहता है जिससे कि डल स्किन का परमानेंट इलाज हो सके, जिससे कि नेचुरली स्किन जो है हमारी ग्लो करे। अगर आप भी कोई ऐसा ही परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो वेलकम टू जिंदगी सिंप्लीफाइड। मैं हूँ शिखा और इस चैनल पे मैं अपलोड करती हूँ आपकी हेल्थ, स्किन, लाइफस्टाइल, पेरेंटिंग और लाइफ के हर कॉम्प्लिकेटेड एरिया के सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन से रिलेटेड वीडियोस। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कुछ ऐसी बातों की जिनको फॉलो करके आप अपनी स्किन पे एक नेचुरल रेडियंस लेकर आ सकते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको लगता है कि इसमें मैं कोई एक ऐसा ओवरनाइट टिप देने वाली हूं जिसको फॉलो करने से कल सुबह ही एक ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि आपकी स्किन पे नेचुरल ग्लो आ जाएगा परमानेंटली और आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो आई एम सॉरी, मेकअप से आपको टेम्पररी सॉल्यूशन मिलेगा लेकिन एक नेचुरली ग्लोइंग स्किन का मुकाबला कोई भी मेकअप नहीं कर सकता। क्योंकि ये स्किन केयर से रिलेटेड वीडियो था इसलिए मैंने भी आज बिना मेकअप के नेचुरल रहकर ही वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये जो स्किन पे ग्लो आता है वो एग्जैक्टली आता कहाँ से है। देखिए इसके पीछे ना एक साइंस काम करती है जिसमें दो बातें मेन है, फर्स्ट है सेल रिन्यूअल और सेकेंड है ब्लड सर्कुलेशन। इन दो चीजों के अराउंड ही हमारे सारा स्किन के रिजाइम घूमते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल रिन्यूअल की। सिंपल सी बात है, स्किन तब ज्यादा ग्लो करती है जब हमारी स्किन स्मूथ होती है, उसके ऊपर डैमेज और डेड सेल्स नहीं होते। मतलब स्किन इतनी स्मूथ होती है कि जब लाइट उस स्किन के ऊपर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है जिसकी वजह से वो ग्लोइंग लगती है, और उसी के उल्टा जब डैमेज और डेड स्किन सेल्स हमारी स्किन पे ज्यादा बढ़ जाते हैं तो स्किन स्मूथ नहीं रहती, जिसकी वजह से जो लाइट हमारी स्किन पे पड़ती है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती और वो डल लगती है। यंग एज में स्पेशली बच्चों और टीनएजर्स में जो सेल टर्नओवर होता है वो बहुत जल्दी जल्दी होता है, 2 से 4 हफ्तों के अंदर जो उनकी स्किन होती है वो नेचुरली एक्सफोलिएट होकर न्यू सेल्स जो होते हैं वो आ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एजिंग के साथ जो ये सेल टर्नओवर है ये बहुत ज्यादा लंबा टाइम ले लेता है, कभी कभी महीनों भी लग जाते हैं सेल टर्नओवर में, और उसमें बहुत सारी चीजें काम करती हैं जैसे कि एजिंग के साथ साथ हमारी हेल्थ, हमारी डाइटरी हैबिट्स, अगर हम कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी ये प्रोसेस डिले हो जाता है, हॉर्मोनल चेंजेस की वजह से भी ये प्रोसेस डिले हो जाता है। तो जो सेल का रिन्यूअल प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है स्किन के ग्लो करने पर। सेकेंड बात है ब्लड सर्कुलेशन। अगर आपके ब्लड की प्रॉपर सर्कुलेशन होती है बॉडी में तो जो ब्लड है वो स्किन के सरफेस के पास पहुंच जाता है जिससे कि स्किन रिफ्लेक्ट करती है लाइट को, और उसी के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से ऑक्सीजन की सप्लाई भी स्किन में बढ़ती है और साथ ही साथ टॉक्सिन्स भी फ्लश आउट हो जाते हैं स्किन से, जिससे कि स्किन क्लियर स्मूथ लगती है और लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है जिससे स्किन जो है वो ज़्यादा ग्लो करती है। तो अल्टीमेटली आपको इन दो बातों से ये तो समझ आ गया होगा कि जो स्किन पे ग्लो आता है वो आता कहाँ से है। दो चीज़ें काम करती हैं, एक हमारी स्किन के सेल्स और दूसरे काम करते हैं ब्लड सर्कुलेशन। अब जितने भी स्किन केयर टिप्स हैं, जितने भी स्किन केयर रिजाइम्स हैं जो कि स्किन पे ग्लो लाने की बात करते हैं वो सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ों के अराउंड घूमते हैं। या तो कुछ ऐसे टिप्स होंगे जो डैमेज सेल्स को रिमूव करेंगे, या कुछ ऐसे टिप्स होंगे जो ब्लड के सर्कुलेशन को इंप्रूव करेंगे बॉडी के अंदर, या कुछ ऐसे टिप्स होंगे जो सेल रिन्यूअल में हेल्प करेंगे। चलिए मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी हैबिट्स जिनसे कि आपकी स्किन के ऊपर नेचुरल ग्लो और परमानेंट नेचुरल ग्लो आएगा। सबसे पहले इसमें आता है स्किन केयर रूटीन। आपकी स्किन केयर रूटीन क्या है? कि नहाकर आए, फेस वॉश यूज किया था और फटाफट से मॉइस्चराइजर लगा लिया, या फिर कभी कभी मॉइस्चराइजर भी लगाना भूल गए तो कोई बात नहीं, छोड़ो परे, क्या फर्क पड़ता है। हमेशा के लिए नेचुरली ग्लोइंग स्किन लेने के लिए आपको एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना पड़ता है, और डेली स्किन केयर रूटीन में आपको मॉर्निंग और नाइट दोनों स्किन केयर रूटीन यानी क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग मॉर्निंग और नाइट दोनों में करनी होती है, तभी आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स मिलते हैं। मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन तो फिर भी कई लोग फॉलो कर लेते हैं लेकिन जो नाइट केयर रूटीन है ना इसके टाइम आलस मार जाते हैं। जो नाइट्स केयर रूटीन है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि दिन में जितनी भी डस्ट आपकी स्किन पे चढ़ी है, जितने भी सेल्स आपके डैमेज हुए हैं वो सब रिपेयर होने का काम होता है रात को जब आप सो रहे होते हैं। तो अगर आप प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं रात के टाइम तो आपकी स्किन जो है वो फ्री रेडिकल्स को फाइट करने में ज्यादा अच्छे से काम करती है और आप सुबह एक फ्रेश स्किन के साथ उठते हैं, और जो फ्रेश स्किन होती है वही होती है नेचुरली ग्लोइंग स्किन। डेली स्किन केयर रूटीन के साथ साथ आपको एक वीकली स्किन केयर रूटीन भी फॉलो करनी होती है जिसमें कि आप स्क्रबिंग एंड फेस मास्क का यूज करेंगे। डेली डेली फेस मास्क यूज करने की कोई जरूरत नहीं होती चाहे आपको कितना ही कोई कहे, क्योंकि इससे आपकी जो स्किन है वो हैबिचुअल हो जाएगी मास्क यूज करने की, और वो जो उसका अपना प्रोसेस होता है सेल रिन्यूअल्स का और रिपेयरिंग का वो उसको करना बंद कर देगी और टोटली डिपेंडेंट हो जाएगी फेस मास्क पे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, हफ्ते में एक बार जिनकी ड्राई स्किन है और जिनकी ऑयली है वो 2 से 3 बार स्क्रबिंग और फेस के बाद फेस मास्क यूज कर सकते हैं। इन दोनों से एक तो आपके जो सेल्स डैमेज हुए थे वो रिमूव
रिमूव हो जाएंगे और साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होगा, जिससे कि स्किन पे नेचुरल ग्लो आएगा। स्किन केयर रूटीन से रिलेटेड मैं डिटेल्ड वीडियोस भी बनाऊंगी, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दे। सेकेंड है वर्कआउट। वर्कआउट करना जितना हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है उतना ही ज्यादा वो स्किन के लिए भी जरूरी है, क्योंकि वर्कआउट करने से टॉक्सिन्स जो है वो बॉडी से फ्लश आउट होते हैं, क्योंकि वर्कआउट करने से जो ब्लड का सर्कुलेशन है बॉडी में वो इम्प्रूव हो जाता है। तो अल्टीमेटली जब टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते हैं हमारी बॉडी में से तो स्किन पे एक नेचुरल ग्लो आता है। और इवन स्टडीज ये कहती हैं कि अगर आप रेगुलर वर्कआउट करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो ज्यादा यूथफुल और यंगर लगती है एज कम्पेयर टू जो आपके ही एज ग्रुप के लोग हैं। तो अगर अभी तक वर्कआउट करना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से वर्कआउट करना शुरू कर दे। अब बारी आती है डाइट की। हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है अच्छी डाइट लेना। ऐसी डाइट लेना जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे आपको, जिनकी आपकी बॉडी और आपकी स्किन को जरूरत है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपकी स्किन की हेल्थ के लिए वो है विटामिन सी। आपने देखा होगा आजकल बहुत से स्किन के प्रोडक्ट भी विटामिन सी इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसीलिए जो विटामिन सी है, विटामिन सी रिच जितने भी फूड आइटम्स हैं जैसे कि ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया या फिर कीवी हो गया, ये सारे फ्रूट्स जो हैं वो आपके स्किन में कोलाजन को बूस्ट करते हैं। कोलाजन एक्चुअल में होता क्या है, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे कि ये कोलाजन को इम्प्रूव करते हैं। कोलाजन होता है जो स्किन की प्लम्पीनेस होती है, आप ऐसे फिंगर को अगर प्रेस करके देखते हैं अपनी चीक पे तो जो ये प्लम्पीनेस है इसको कोलाजन कहते हैं। ये जो छोटा बच्चा होता है उसकी स्किन में बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत ज्यादा प्लम्पी होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है तो ये जो प्लम्पीनेस है ये कम होती है, क्योंकि जो कोलाजन है उसका बनना थोड़ा कम होता जाता है, उसका प्रोसेस धीरे होता जाता है। तो जो विटामिन सी रिच फूड आइटम्स हैं वो कोलाजन को बूस्ट करती है उसके प्रोडक्शन को, जिसकी वजह से आपकी स्किन लूज नहीं होती और रिंकल फ्री रहती है। सेकेंडली गाजर, स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी और पालक, इनमें बीटा कैरोटीन्स होते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं स्किन को सॉफ्ट बनाए रखने के लिए। इनको अगर अपनी डाइट में आप इंक्लूड करते हैं तो आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो सॉफ्ट रहता है और स्मूथ रहता है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है आपकी स्किन की ग्लोइंग के लिए वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फिश ऑयल में पाया जाता है। आप चाहे तो किसी भी अच्छे से ब्रांड के ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन है तो उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अखरोट खा सकते हैं, आप अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं, आप शिया सीड्स खा सकते हैं, इन सब में भी भर के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ओमेगा 3 को अपनी डाइट में लेने का ये बेनिफिट होता है कि ये स्किन के नेचुरल मॉइस्चर को रिटेन करने में हेल्प करते हैं, और जिस स्किन का नेचुरल मॉइस्चर होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है नेचुरल ग्लो के लिए। इसी के साथ डार्क चॉकलेट में भी ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्किन को स्मूथ और सॉफ्ट टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं। और इसी के अपोजिट जो चीनी होती है वो तो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, चाहे वो वेट की बात करो चाहे वो स्किन की बात करो। आपको पता है जो चीनी होती है ना वो हमारे स्किन के कोलाजन को खा जाती है, जिसकी वजह से स्किन लूज हो जाती है और डल हो जाती है, इसलिए चीनी खाना तो बिल्कुल बंद कर दो। नेक्स्ट है सन प्रोटेक्शन। एटलीस्ट 30 SPF का सनस्क्रीन लगाना अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया हुआ है, इतनी उसकी इंपॉर्टेंस पता होते हुए भी, तो जरूर लगाना शुरू कर दो। चाहे बाहर बादल हो, चाहे ठंड का मौसम हो, चाहे आप घर के अंदर बैठे हो, हर जगह अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है सन की वो प्रेजेंट होती हैं, और वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है हमारी स्किन के लिए, स्पेशली हमारे स्किन के सेल्स के लिए। वो उनको डैमेज कर देती है, जिससे कि एजिंग के जो साइंस है, डार्क स्पॉट्स हैं, वो बहुत जल्दी आने शुरू हो जाते हैं हमारे स्किन पे। और साथ ही साथ अगर आप बाहर कहीं पे हैं तो 2 से 3 घंटे में जो सनस्क्रीन है उसको रीअप्लाई कर लें, और बाहर जाने से एटलीस्ट 15 मिनट पहले आप सनस्क्रीन लगा लें, जिससे कि वो एक्टिवेट भी हो जाए और आपकी स्किन में अब्सॉर्ब भी हो जाए, ताकि आप जैसे ही बाहर जाएं उसके ऊपर धूल मिट्टी ना चिपक जाए। अब आता है स्ट्रेस। आप जितने भी स्किन के प्रोडक्ट्स यूज कर लो, जितने भी स्किन के रिजाइम्स फॉलो कर लो, अगर आपका मन शांत नहीं है तो आपकी स्किन जो है वो कभी ग्लो नहीं करेगी। जो स्ट्रेस है उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नेचुरली ग्लोइंग स्किन पाने के लिए। और जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, वो तो फेमस से हर चीज के स्ट्रेस लेने के लिए। अगर आप चाहते हैं मैं स्ट्रेस से रिलेटेड डिटेल वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट बात आती है ब्यूटी स्लीप की। ब्यूटी स्लीप का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद हमारी स्किन और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तब हमारी स्किन जो है वो फ्री रेडिकल्स को फाइट कर रही होती है, जो कि हमारी स्किन की एजिंग और डिसकलरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही साथ आप किस पोजिशन में सो रहे हैं ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप उल्टे सोते हैं अपने फेस को दबाकर, तो उससे जो ब्लड सर्कुलेशन है
फेस पे वो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से स्किन पे ग्लो नहीं आता, स्किन डल हो जाती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता रहे आपके फेस पे, तो अपनी बैक पे सोइए, जिससे कि स्किन नेचुरली ग्लो करती रहे। नेक्स्ट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन से माइंड, बॉडी और सोल सब अलाइन हो जाते हैं और बहुत एक पीस मिलती है, जिससे कि आपके फेस पे एक नूर आता है, एक नेचुरल ग्लो आता है आपके फेस पे। तो इसीलिए दिन में थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन के लिए भी जरूर निकालें, अगर आप एक परमानेंट ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो। ये तो बात करी मैंने उन हैबिट्स की, जिनको फॉलो करके आप परमानेंटली लाइफ लॉन्ग नेचुरल रेडिएंट स्किन पा सकते हैं और साथ ही साथ उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी कोई वीडियोस देखते हैं, चाहे वो फेस पैक हो या वो कोई प्रोडक्ट हो जो स्किन के ग्लो को बूस्ट करता है, वो इन्हीं सब बातों के अराउंड होगा। मेकअप से आपको टेम्पररी सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन एक नेचुरली ग्लोइंग स्किन का मुकाबला कोई भी मेकअप नहीं कर सकता। थोड़ी बहुत इम्परफेक्शंस हम सबकी स्किन में होती है, इसलिए आपकी स्किन जैसे भी हो उससे प्यार कीजिए, हमेशा स्माइल करते रहिए, तो स्किन वैसे ही नेचुरली ग्लो करने लग जाएगी। अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया है तो इसको लाइक करके मुझे जरूर बताइए, और अगर आप ये परमानेंट सॉल्यूशन किसी और के साथ भी शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग, नमस्ते।